हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, और साथ में जैसे आपका फ़ोन है उसको आप ऑटो रिस्टार्ट कैसे कर पाएंगे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे, तो हमें सीधा स्लाइड करना है। स्लाइड कर दी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जिस तरीके से तो आप कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली फ़ोन सेटिंग शो हो रही है, तो आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग पे। क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग्स भी हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। ओपन होती फिर आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पर टैप करना है, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जब आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग्स आती है इसका ओपन करना है, जहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऑन करते हैं, अलाउ करते हैं, तो इसके जरिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ऑन करना है, ओके करना है, तो आपके फ़ोन में शॉर्टकट आइकन से ऑन हो जाएगा, जिसके जरिए आप पावर में फ़ोन को पावर ऑफ या ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑटो रिस्टार्ट करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। पावर ऑफ के लिए इस पर क्लिक करना होगा, और एयरप्लेन मोड के लिए इस पर, और साइलेंट मोड के लिए इस पर। तो इसका यूज़ करके आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।